तो इनकी आठ से नौ सीट यहाँ बढ़ रही है और ये बड़ी बात है कांग्रेस की एक सीट वो जो है हार रही है कांग्रेस ठीक है तो कांग्रेस कोरापुट की सीट जीती थी उस वो सीट जो है कोरापुट की कांग्रेस नहीं जीत रही है अब आप ये देखो जितना भी ग्रीन है जैसे पूरी ग्रीन है इस बार संबित पात्रा पूरी जीत रहे हैं ठीक है उसके बाद अगर आप ऊपर जितना लेफ्ट वेस्टर्न उड़ीसा देख रहे हो आप पूरा उन्नीस उसी पर रखो ना उसी उसी देखो जैसे ये पूरा सैफरन है इस पूरा सैफरन रहेगा ये जो पूरा ग्रीन का पॉकेट है ना यहाँ सैफरन डेंट कर रहा है तो ये ये जो पूरा है ना यहां पे डेंट टूर है सैफरन का तो जैसे फॉर uh, एग्जांपल पूरी हो गया कटक हो गया ये सब सीट्स के ऊपर अब नरेंद्र मोदी का वोट पड़ रहा है क्योंकि लोग जो है पिछली बार फर्स्ट टाइम मोदी को ट्राई किए थे तब एट सीट दिए अब जो बीजेडी की सरकार है वो जनरी वीक हो रही है मतलब नवीन पटनायक जी इज नॉट एट इज पीक इज कमिंग डाउन सो ऑल दैट वोट इज गोइंग टुवर्ड्स मोदी एंड कांग्रेस का जो साउथ का जो पूरा वोट शिफ्ट है वो बीजेडी की तरफ जा रहा है तो ये जो इक्कीसवीं आप देखो ये जो कांग्रेस को मिला था ये भी कांग्रेस हटा रही है और ये जो एक्सट्रीम साउथ है अगर सीट खोलो मैं आपको बताता हूँ गोरखपुर ना कोरापुर खोले से आपको बताता हूँ कौन हाँ, से से जैसे देखो बरगढ़ सुंदरगढ़ संबलपुर क्यों ये सब सीट बीजेपी जीत रही है मयूरभंज भाजपा निकाली रही है बालासोर भद्रक जाजपुर बीजेपी निकाल रही है ठीक है उसके बाद कटक बीजेपी निकाल रही कंदामल में फाइट है आगे बढ़ो उसके बाद किन्द्रापाड़ा में फाइट है और ये अगर बीजेपी जीत जाएगी तो अट्ठारह डेड श्योर है और ये सीट Uh, जहां से जा, बैजन पार्टा लड़ रहे हैं यहां पे बीजेडी का गढ़ से गढ़ होता है और यहां तक एंटी इनकमेंसी देखने को मिली पूरी बीजेपी जीत रही है भुवनेश्वर बीजेपी जीत रही है आस्का के अंदर फाइट है जो नवीन पटनायक का गढ़ है वहां तक फाइट है सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दट दिस स्टेट वॉन्ट्स टू वोट फॉर मोदी एंड यू विल सी दिस हैपनिंग एंड दिस इज द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट फॉर मी इन द ईस्टर्न पार्ट बिकॉज फ्रॉम ए एट इफ यू आर गोइंग टू सिक्सटीन सेवनटीन विच इज वेर यू इंक्रीजिंग योर सीट काउंट में एटलीस्ट एट टू नाइन सीट्स विच इज एंड दिस इज बिकॉज ब्यूर डेवलपमेंट वोट

अच्छा एंड बीजेपी इन उड़ीसा एज पर एक्सिट पोल विल बी मोर देन फोर्टी टू फोर्टी थ्री सो यू विल सी बीजेपी वोट शेयर ऑफ मोर देन फोर्टी टू फोर्टी थ्री बीजेडी ऑल्सो बिंग अराउंड 40 मार्क और बाकी का जो पार्टीज में स्प्लिट हो जाएगा हो जाएगा इनफैक्ट और बढ़ सकता है एंड दिस इज ऑल डेवलपमेंट वोट

अच्छा आप पूरे देश में किसी भी सिफोलॉजिट से बात करोगे खुल के बिना कोई पेपर पढ़े कुछ करे आपको इतना सब नहीं बता सकता मैं ना तो क्यों कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जमीन पे घुमाऊ जर्मनी बैठ के वीडियोज़ नहीं कर रहा मैं स्लाइडिंग छत्तीसगढ़ सीन है स्वीप होगा ये भी अब आपको बताता हूँ कैसे देखो नौ दो था अब भाजपा की सरकार आ चुकी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास पिछली बार सरकार थी उसके बावजूद कांग्रेस दो ही सीट जीत पाए अब बस्तर में इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि असेंबली इलेक्शन में बस्तर में बीजेपी जीती है और जितना भी ट्राइबल वोट है मोदी जी की स्कीम बहुत ज्यादा पहुंची हुई है बस्तर तो, वो नीचे वाला पार्ट है पार्टी और इस बार ये दस जो है कन्वर्ट होगा बीजेपी की तरफ तो अच्छा इस बार आईधर इट विल बी टेन और इट hmm. तो कैन स्टेट में बीजेपी की सरकार आई है बीजेपी तो का वोट पड़ रहा है और ये दस सीट तक पहुंचा दस से ग्यारह सीट पे स्वीप हो गई तो दस से ग्यारह पहले, पहले, पहले नौ दो था ना नौ दो था विद कांग्रेस गवर्नमेंट एट स्टेट हाँ इस बार एटलीस्ट टेन आइडियली इलेवन देखो हार कर रहे हैं ये लोग कौन बीजेपी वाले मतलब ये हाँ। है ना अभी मैंने कर्नाटक का हारे हाँ हाँ। तभी तो मैं नंबर पिछली बार से ज्यादा है हम्म हम्म पर आप अगर हम टोटल एनडीए की लगा भी रहे हैं तीन सौ साठ प्लस बोल रहा हूँ तीन सौ सत्तर तीन सौ अस्सी टच कर रही है अच्छा एनडीए देखो भाई भाजपा भाजपा आइडियल नंबर विल बी मोर देन थ्री ट्वेंटी जो हम अपने एग्जिट पोल में भी कह रहे हैं ठीक है सब कुछ खत्म भी हो जाएगा तब भी पिछली बार से तीन सौ पंद्रह सी सीट ज्यादा आएंगी

हाँ मेरे को नहीं लगता गुजरात में कुछ चेंज होने वाला लगता है। नहीं डेटा भी नहीं कह रहा हाँ, हाँ, हाँ। गुजरात राजस्थान में, तो हाँ। में दो तीन सीट है जहाँ पे टक्कर है जैसे मान लो बाड़मेर में टक्कर है झुंझुनू में टक्कर है चुरू में टक्कर है और दौसा में टक्कर है इनमें से दो तीन सीट हारी जा सकती है लोकल फैक्टर्स की वजह से अब वो मेरे एक् लोग ने हम लोग ने दो सीट बीजेपी की दो से तीन सीट इसमें कही है कि हार सकती बीजेपी आई डोंट थिंक इट विल फॉल लास्ट टू ट्वेंटी फोर आई डोंट थिंक इट विल फॉल लेस देन ट्वेंटी टू एस पर माई डेटा बिकॉज द मार्जिन आर वेरी वेरी हाई फॉर द बीजेपी लास्ट टाइम इन राजस्थान एंड इज नो एंटी मोदीजम इन दोनों तीन सीट्स पे ओनली लोकल फैक्टर्स आर डोमिनेटिंग नॉट मोर देन दैट क्या किस टाइप के लोकल फैक्टर्स बाढ़ में मान लो भाटी लड़ रहा है उसने कुछ वो एक्स्ट्रा वोट्स काट लिए पर वो जसवंस सिंह के समय भी एक, जब वो अगले लड़े थे तो काटे थे स्टिल बीजेपी जीत गई तो मैं भी कंजर्वेटिव राजस्थान में मेरे हिसाब से बाईस तक बीजेपी ले आएगी तीन हार सकती है तो तीन कांग्रेस जीत जाएगी उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा कांग्रेस सॉरी राजस्थान इज फर्स्ट स्टेट जहां पे आप कह रहे हो कांग्रेस ऊपर आएगी और थोड़ी बीजेपी नीचे गिरेगी हाँ जीरो ती, से तीन बट रिगार्डलेस ओनली स्टेट हो सकता है मैं भी सर्टनिटी के साथ में नहीं हूं क्योंकि क्या है ना महिलाओं ने वोट सब भाजपा को डाला है तो स्टेट है ना ब्रदर इसमें कास्ट बेस्ड वोटिंग काफी हुई है अच्छा और क्यों ऐसा क्यों टिकट वितरण जिस तरीके से हुआ है बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करें राजस्थान में उसके कारण बट यहाँ मोदी के खिलाफ जीरो माहौल है तो ये सब जितना भी लोकल फैक्टर्स को मोदी जी ने पहले सत्रह अट्ठारह की स्थिति बीजेपी की थी वो बाईस तेईस तक इसीलिए बिकॉज मोदी फैक्टर वर्क हैवीली इन मनी मैनी प्लेसेज hmm. मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश पकड़े पकड़ लो मध्य प्रदेश स्वीप हो जाएगा पिछली बार पिछली से ज्यादा वोट शेयर से बीजेपी जीतेगी पिछली बार तो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी हाँ। पिछली बार एक सीट छिंदवाड़ा की बस कांग्रेस जीती थी जितने जितना आप सैफरन देखे उसके मार्जिन भी बढ़ जाएगी इस बार अच्छा मतलब आप मध्य प्रदेश तो, बहुत खुश है मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ हम लोग का गृह क्षेत्र है या कांग्रेस कांग्रेसिशन खत्म टाइप हो गई और ये छिंदवाड़ा की सीट पर नकुलनाथ इस बार हार सकते हैं चुनाव पिछली बार बहुत क्लोज मार्जिन से जीती थी तो हो सकता है सब सैफरन हो जाए हाँ

और मार्च 2019 में सब 250 260 दिखा रहे थे तब हम लोग ने मैंने बोला था 300 प्लस तो सब मजाक उड़ाया आधे लोगों ने एग्जिट पोल ही नहीं कवर किया था। तब रिपब्लिक के साथ किया था सिर्फ रिपब्लिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना एट डन एट दैट टाइम और फिर जाके वो नतीजे वही हुए और फिर जो मैंने नंबर दिखाया तो लोगों ने उसी में तीस अपने नंबर बढ़ा दिए और बीस बढ़ा दिए करके तो आई बिलीव इफ देर इज़ समथिंग वेरी बिग वी हैव मिस्ड

जेनविनली यार वो देखो ये रैकेट तो नहीं बट मैं आई 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 डोंट योगी क्रेडिबिलिटी में नहीं जा रहा ठीक है अरे नहीं हाँ। करते क्या है है हर बार इस पॉडकास्ट में नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलो आप उनको छोड़ दो और भी लोग हैं जो एग्जिट पोल्स दे रहे हैं उनके नाम नहीं लेना चाहता मैं ही जानना चाहता हूँ जो, जो भी व्यक्ति जमीन पे है उसको पता है मोदी तो वापस से चुनाव जीत रहे।, रहे वो ठीक है वो तो योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं चुनाव जीत तो रहे हैं तो योगेंद्र यादव बोल दो सौ चालीस सीट आ रही है मैं कह रहा हूँ पिछली बार से ज्यादा सीट आ रही मोदी की पर तो भी वो वो लोग कहाँ डिफरेंस स्पॉट कर रहे हैं वो एक कौन से स्टेट्स में यार वो लोग क्या है थोड़ा सा देखो जब जमीन पे नहीं रहते ना तो वो क्या करेंगे मान लो उड़ीसा है तो चार चार ही बढ़ेगी

Right guys if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel you can consume all our podcasts and small clips right here we chunk them together and release them just for your convenience do not forget to press the subscribe button